मत का गन्ना हुआ उपचुनाव को लेकर के, और अगर दोनों जगह के चुनाव को देखा जाए, नतीजे को देखा जाए, तो स्पष्ट रूप में ये कहा जाएगा कि जनता ने जो जनादेश दिया उसका हम लोग सम्मान करते हैं, और हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं। कुछ लोग भले ही लोकतंत्र में विश्वास ना रखे, जनादेश में विश्वास ना रखे, लेकिन शुरू से ही हम लोगों ने जनादेश का सम्मान किया है। और पहली बार कुशेश्वर स्थान में 95 में आखिरी जब जनता दल था, 95 में जब आखिरी बार जनता दल था तो हम लोग चुनाव लड़े थे। जब से राष्ट्रीय जनता दल बना तब से हम लोग कुशेश्वर स्थान में चुनाव नहीं लड़े, लेकिन हम लोगों ने मजबूती के साथ और जमीनी मुद्दों के साथ चुनाव लड़ा, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, महंगाई का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, हर मुद्दे को हम लोगों ने एक मजबूत विपक्ष होने के नाते हम लोगों ने चुनाव में लेकर के गए। और एक अच्छी परंपरा शुरू हुई कि कुछ लोग निजी हमला बोलता रहा हो, लेकिन हम लोगों की कोशिश रही कि चुनाव जो है वो मुद्दे पे हो। और पहली बार लड़ने के बाद कुशेश्वर स्थान से हम लोगों ने अच्छा मुकाबला किया, ऐसा मुकाबला किया कि जो मंत्री सत्ता में बैठे हैं, जो गांव के हालात को भूल गए थे कि किस स्थिति में हैं, उनको भी जो है डोर टू डोर मंत्रियों को कैंप करके डोर टू डोर उन लोगों ने कैंप किया। और हमारे पास तो खोने के लिए कुछ नहीं था। आज भी हम 75 सीट पे सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हैं। तारापुर भी हम लोग जो है चुनाव लड़े, वोट भी हम लोगों का बढ़ा, और एक आप कह सकते हैं कि आखिरी लास्ट सेकेंड लास्ट ओवर तक जो है मैच गया, सेकेंड लास्ट बॉल तक जो है मैच गया, लेकिन हम लोगों ने कड़ा मुकाबला हर जगह दिया है। कुशेश्वर स्थान में अगर देखा जाए तो सिंपैथी भी जो है जदयू के प्रत्याशी को मिली, लेकिन कोई बात नहीं, हार जीत चुनाव में चलता रहता है। क्या क्या हुआ नहीं हुआ, हमने सारी चीजों को जनता के समक्ष रखा, इलेक्शन कमीशन के समक्ष रखा, लेकिन आखिर में संवैधानिक संस्था है। अगर हम जैसे राजनेता उस संवैधानिक संस्था का सम्मान नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी करें, या प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन का, आखिर में चाहे हमको जो मुद्दे उठाने हो, हमने सारे मुद्दे जो है बिना प्रमाण के तो उठाए नहीं, सारे मुद्दे को प्रमाण के साथ हमने उठाया है, लेकिन हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन पे भी विश्वास रखना पड़ेगा। अगर हम लोग नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? तो हम लोग जो है कोई घबराने की बात नहीं, लेकिन बिहार की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव होकर रहेगा।